जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लंबी हो जाती है ना तो आप देखते नहीं हैं। तो इस बार जो एकादशी है उसका नाम है जया एकादशी। देखिए, एकादशी के भी काफ़ी रूल्स होते हैं, तो पहले मैं एकादशी के रूल बता देती हूँ। सबसे पहला रूल है कि आपको तुलसी उस दिन नहीं तोड़नी है, उस दिन नहीं तोड़नी है, और द्वादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं। परंतु तुलसी का भोग तो जबर जरूर लगेगा कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को। तो आपको क्या करना है, या तो देखिए कुछ पत्ते ना नीचे गिरे हुए होते हैं, आप उन्हें उठा सकते हैं, या फिर आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते ज़रूर तोड़ के रखें। एकादशी वाले दिन बिल्कुल गलती से भी तुलसी ना तोड़ें, क्योंकि उस दिन तुलसी माता का ना व्रत होता है विष्णु जी के लिए, ठीक है। वो निर्जला व्रत करती हैं, इसलिए आप तुलसी को जल भी नहीं देंगे। पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है, चावल नहीं खाते हैं। देखिए, एक दिन पहले भी आप चावल नहीं खाएंगे, एकादशी वाले दिन भी आप चावल नहीं खाएंगे। परंतु हाँ, जब आप व्रत खोलते हैं ना अगले दिन, जिसे पारण बोला जाता है, आप कई बार मैं भी नहीं समझती थी बहुत पहले जब बचपन में कि ये पारण होता क्या है। पारण मीन्स अगले दिन व्रत खोलना। जब हम अगले दिन एकादशी का व्रत खोलते हैं ना, उस दिन चावल ज़रूर से बनाए जाते हैं, उसी से ही भगवान का भोग लगा के हम व्रत खोलते हैं। देखिए, चावल ना खाने के पीछे भी एक अलग कहानी है कि उन्होंने किसको, भगवान विष्णु ने किसको मारा था, उनका रक्त पृथ्वी पे गिरा था, और फिर उससे जो उत्पन्न हुए थे वो चावल की कुछ फसल उत्पन्न हुई थी। वो हम बाद में कभी फिर उसको डिस्कस करेंगे, अभी वीडियो लंबा हो जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो चावल आप नहीं खाएंगे उस दिन। चावल खाते हैं तो कहते हैं कि कीड़े मकौड़े बनते हैं अगले जन्म में। तो आप व्रत रखें या ना रखें, ना तो आप तुलसी तोड़ेंगे, ना तुलसी में जल देंगे, ना आप चावल खाएंगे। अब जो लोग व्रत करते हैं वो दशमी तिथि की रात से ही खाना छोड़ देते हैं, ठीक है, एकादशी वाले दिन। वो देखिए, आप अपने शरीर को देख के व्रत रखिएगा कि आपके शरीर में कितनी सहन शक्ति है, या डॉक्टर के परामर्श पे अगर आपको ये अलाव है तभी आप इस तरह का व्रत रखिएगा, क्योंकि भगवान भावना देखते हैं। हमें बस मन में अपना मन जो है पवित्र रखना है, और मन में भगवान का नाम जपना है। आप जितना विष्णु नाम जपेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। देखिए, एकादशी का व्रत ना व्रतों में राजा कहा जाता है, और जो भी इस व्रत को गलती से भी कर लेता है ना, इसकी कथाओं में भी लिखा होता है कि गलती से भी अगर किसी ने व्रत कर लिया ना तो भी उसे उस व्रत का फल अवश्य ही मिलता है। तो इस बार की जो एकादशी है वो है जया एकादशी। अब जो लोग व्रत करते हैं, मैं उनके नियम बता रही थी, मैं मुद्दे से भटक गई। देखिए, जो लोग व्रत करते हैं ना वो दशमी की तिथि से ही, दशमी की रात की से ही खाना छोड़ देते हैं। मीन्स अन्न नहीं खाते हैं, और कुछ आप खा सकते हैं लेकिन अन्न वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं खाते हैं। कई लोग देखिए जो रेड कलर की चीज़ें होते हैं ना उन्हें भी नहीं खाते हैं, जैसे गाजर नहीं खाते हैं, टमाटर नहीं खाते हैं एकादशी के व्रत में। तो वो आप जैसे आपके घर में करते होंगे आप वैसे देखिएगा, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। मैं भी नहीं खाती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं एकादशी के व्रत करती हूँ, क्योंकि एकादशी के व्रत को राजा कहा जाता है सभी व्रतों का। सब व्रत एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ, क्योंकि ये एक ऐसा व्रत है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे पितरों को संतुष्टि मिलती है, बहुत पुण्य होते हैं इस व्रत को करने के। अब जया एकादशी है, बहुत कन्फ्यूजन है कि 31 को भी बता रहे हैं, 31 जनवरी को भी है, 1 फरवरी को भी है। तो देखिए, 31 जनवरी को शाम से शुरू हो रही है एकादशी, और अगले दिन के शाम तक रहेगी 1 जनवरी के। तो देखिए, एकादशी का व्रत वो ही रखना चाहिए जिसमें द्वादशी तिथि मिली हुई हो, बड़ी शुभ होती है वो। तो हम जब 1 तारीख को हम व्रत रखेंगे तो उस दिन शाम को द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो ये जो है उदया तिथि भी इसी दिन पड़ती है, क्योंकि हम कोई व्रत जो रखते हैं ना अस्त में नहीं रखते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है तब कोई त्यौहार शुरू हो रहा है। जब सूर्य उदय होता है ना नेक्स्ट डे, तो हम उसी पे ही रखते हैं। तो उदया तिथि पड़ती है 1 फरवरी को, तो हम बुधवार 1 फरवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे, जया एकादशी का व्रत है। और इसका जो पारण का समय है अगले दिन 3 जनवरी को है, और उसका टाइमिंग जो है वो आप 7:15 से लेके 9:30 बजे तक के बीच में पारण कर लीजिएगा। पारण में आप चावल जरूर बनाएंगे, और वो जो आप थाली निकालते हैं ना, अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो, वैसे तो देखिए पहली बार जो व्रत किया जाता है ना एकादशी का, वो उत्पन्ना एकादशी से शुरू होता है, परंतु ये व्रत इतना पवित्र है कि आप इसे कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नियम से चलें कि आपको सारी एकादशी एक साल में कंप्लीट करनी है, तो उत्पन्ना एकादशी पहली एकादशी होती है जिस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। उनकी भी एक अलग कहानी है, वो देखिए एकादशी की किताबों में लिखा होता है, यदि आपके पास किताब होगी, आपने कभी पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होता है। तो इस बार है जया एकादशी, उसकी कथा मैं आपको पहले ही डाल दूंगी एकादशी से पहले, कि उसकी कौन सी कहानी है, उसके पीछे क्यों रखी जाता है जया एकादशी का व्रत। और आप पारण करने के लिए, मैं आपको बता रही थी, एक थाली निकालेंगे भोग के लिए, उस थाली में आप चावल अवश्य रखेंगे, और जब भोग लगाएंगे भगवान को तो तुलसी दल रखना ज़रूरी है।
और उसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, आप चावल में आप खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, सिंपल जैसे आप चावल बना सकते हैं जो सब्जी के साथ, जैसे छोले के साथ, पनीर के साथ, आलू के साथ, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे पसंद करते हैं। चावल होना ज़रूरी है। और एक भोग की आप थाली निकालेंगे, उसमें तुलसी का पत्ता डालेंगे। जिस दिन व्रत रखना है उस दिन भगवान विष्णु की अगर आप पर तस्वीर है या आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान अवश्य करवाएं। जितना हो सके उस दिन भगवान का नाम लें और सच बोलें, झूठ ना बोलें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। क्योंकि देखिए, हम व्रत रखते हैं, ये व्रत मैंने पहले भी बताया, बड़ा पवित्र होता है। किसी की बुराई करते हैं ना तो हम पे पाप लगता है। गलती से मुंह से कुछ भी ऐसा वैसा निकल भी जाए तो हमें सूर्य भगवान, जो कि प्रत्यक्ष देव हैं, जो दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो हमें उनसे जाके क्षमा याचना करनी चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए कि हमसे गलती हो गई है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें या फिर झूठ ना बोलें, या ऐसे लोगों के फ़ोन भी एटलीस्ट उस दिन ना ही रिसीव करें कि मुंह से कुछ निकल ही जाए। तो बहुत पुण्य वाला ये व्रत है। आप थाली लगाएंगे पारण वाले दिन, अगर आप पंडित को दे सकते हैं तो वैलेंट कूड़ा है। अगर आपके पास पंडित अवेलेबल नहीं है आसपास, तो देखिए कोई भी आप किसी को नहीं दे पाएंगे तो आप एक भोग की जो थाली निकालेंगे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे, वापस से उसे अपने खाने में मिला लेंगे, तो घर वालों को सबको भोग लग जाएगा। और भगवान से मन में प्रार्थना करेंगे कि हमने आपके प्रति ये भोग अर्पण किया है और हम प्रसाद के रूप में अब इसे ग्रहण करेंगे। ऐसा करके आप भगवान से हाथ जोड़ के देखिए। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि श्रद्धा जो है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामग्री कुछ भी कम पड़ जाए तो चलता है, लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भावनाओं को देखते हैं। हम जो भोग लगाते हैं वो ये नहीं है कि हमारे भोग से ही भगवान का पेट भरता है, नहीं, हमारा पेट भरता है उनके दिए हुए अन्न से। ये तो बस हमारा समर्पण होता है उनके प्रति, हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ये भोग समर्पण करके। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। और इसकी कथा के लिए मैं वीडियो डाल दूंगी, मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, थैंक यू वेरी मच।